गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। आज हम लेकर आए हैं मॉडल टेस्ट पेपर 2, जिसमें 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। यह क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, जो आने वाले एग्जाम बिहार एसएससी मेंस, बिहार एएसआई मेंस और बिहार ईएसआई के लिए बनाया गया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, पेपर 1 नहीं देखा है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर, बिहार के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश की देन है? तो इसका सही आंसर होगा जर्मनी के बीमर संविधान की। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के बीमर संविधान से ली गई है। कनाडा के संविधान से क्या क्या ली गई है हम देखते हैं। कनाडा के संविधान से संघात्मक विशेषताएँ ली गई है एवं संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची एवं केंद्र राज्य के बीच संबंध एवं शक्तियों का विभाजन। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है देखते हैं। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन एवं वित्तीय आपात लिया गया है। और राष्ट्रपति एवं उन पर महाभियोग भी अमेरिका के संविधान से ही ली गई है। तो चलिए देखते हैं सेकंड नंबर, भारत में वैध प्रभु सत्ता निहित है, राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में, संविधान में। तो भारत में वैध प्रभु सत्ता निहित है संविधान में। इसका सही आंसर होगा डी नंबर, संविधान में। आगे देखते हैं थर्ड नंबर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 253। 249 में क्या है देखते हैं। अनुच्छेद 249 में है राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद द्वारा कानून बनाने का अधिकार, लेकिन अगर वो राष्ट्रहित में हो तो। अनुच्छेद 352 देखते हैं, इसमें है दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनके सहमति के बाद संसद द्वारा कानून बनाने का शक्ति अनुच्छेद 252 में है। आगे देखते हैं फोर्थ नंबर, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। तो इसका सही आंसर होगा स्वराज पार्टी ने, स्वराज पार्टी ने किया था, लेकिन 1924 ईस्वी में, 1934 नहीं, इसमें 1924 होगा। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में हुई थी। इसकी प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया गया था, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही इस सभा का सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। संविधान सभा का गठन करने का आधार कैबिनेट मिशन योजना था। आगे देखते हैं फाइव नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, प्रभु संपन्न, लोक कल्याण। तो संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है लोक कल्याण, डी नंबर आंसर होगा, लोक कल्याण शामिल नहीं है, बाकी के ये तीनों शामिल है। और 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में ये तीनों को जोड़ा गया था। आगे देखेंगे सिक्स नंबर, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जिनका संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक हैं? मेंडल, डार्विन, वाटसन, खुराना। तो इसका सही आंसर होगा खुराना, हरगोविंद खुराना। चार्ल्स डार्विन ने इवोल्यूशन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, चार्ल्स डार्विन ने, एवं इनकी, चार्ल्स डार्विन की प्रसिद्ध पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, प्रजातियों की उत्पत्ति इनकी पुस्तक है। मेंडल की बात करते हैं तो आनुवंशिकी का जनक मेंडल को ही कहा जाता है। मेंडल ने मटर के दाने पर प्रयोग कर आनुवंशिकी का नियम दिए थे। आगे देखते हैं सेवन नंबर, मानव शरीर में भोजन का रक्त अवशोषण होता है,
कहाँ होता है? यकृत में, आमाशय छोटी यात बड़ी यात। तो भोजन का रक्त अवशोषण कहाँ होता है? छोटी यात में। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसकी भार 1.5 से 2 kg होता है। यकृत द्वारा ही पित्त स्रावित होता है। आगे देखेंगे 8 नंबर, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है, घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, पहले जैसा रहता है। तो सोते समय रक्त दाब हमेशा घटता है, तो 2nd नंबर इसका आंसर हो जाएगा। डीएनए हेलिक्स का प्रारूप प्रस्तुत किया था, डीएनए हेलिक्स का प्रारूप प्रस्तुत किया था वॉटसन और क्रिक। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, वॉटसन और क्रिक ने। आगे देखेंगे 10 नंबर, एक रेडियो धर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं, प्लूटोनियम, रेडियम, थोरियम, यूरेनियम। तो इसका सही आंसर होगा थोरियम। थोरियम में केवल एक समस्थानिक पाया जाता है। प्लूटोनियम की खोज एनरिको फर्मी ने किया था। यूरेनियम, यूरेनियम तत्व प्राकृतिक में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व है। यूरेनियम सबसे भारी तत्व है जो प्राकृतिक में पाई जाती है। आगे देखेंगे 11 नंबर, निम्न में से किस एक ईंधन का मान अधिकतम होता है? तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मान सबसे ज्यादा होता है। हाइड्रोजन की खोज केवेंडिश ने 1766 ईस्वी में किए थे। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला एवं सबसे हल्का तत्व है, और हम जानते हैं कि सूर्य और तारा का भी अधिकांश द्रव्यमान हाइड्रोजन का ही बना होता है। आगे देखेंगे 12 नंबर, अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? तो अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद है इथाइल अल्कोहल। सी नंबर इथाइल अल्कोहल। 13 नंबर, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है? तो निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, प्रेश बायोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या होता है? तो दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। इसी तरह इसके अपोजिट होता है निकट दृष्टि दोष। इसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है जबकि दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। जरा दृष्टि दोष, इसमें न निकट की वस्तु दिखाई देती है न दूर की वस्तु। जरा दृष्टि दोष मुख्यतः जनरली वृद्धावस्था में होता है, और इसका उपचार के लिए हम ड्यूफोकसी लेंस का उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं 14 नंबर, पानी से भरे तालाब की गहराई क्यों कम दिखाई देती है? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यक्तिकरण। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, अपवर्तन। और अपवर्तन से संबंधित घटनाएं हैं जैसे कि डूबी हुई, पानी में डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, ये भी अपवर्तन के कारण ही होता है। तारों का टिमटिमाना एवं सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बाद भी सूरज दिखाई देना, ये सब घटना अपवर्तन से संबंधित है। आगे देखेंगे 15 नंबर, यदि किसी स्थान के तापमान में वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्थान होगा, तो किसी स्थान पर तापमान की वृद्धि होती है तो इसकी आपेक्षिक आर्द्रता हमेशा घटती है। बी नंबर ऑप्शन होगा, हमेशा घटती है। आगे देखेंगे 16 नंबर, द्रविड़ शैली का विकास किसके काल में हुआ? पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार। तो द्रविड़ शैली का विकास पल्लव के समय में हुआ। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? पल्लव वंश के संस्थापक श्री विष्णु थे एवं इनकी राजधानी कांची थी। पल्लव की राजधानी कांची थी, कांची तमिलनाडु में है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे,
और इसकी राजधानी मानखेट थी। एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण भी राष्ट्रकूट के काल में ही हुआ है। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे एवं इसकी राजधानी तंजावुर थी। आगे देखेंगे 17 नंबर, चचनामा के लेखक हैं, तो चचनामा के लेखक हैं अली अहमद, ए नंबर ऑप्शन, अली अहमद चचनामा के लेखक हैं। आगे देखेंगे 18 नंबर, सड़क ए आजम का निर्माण किसने करवाया था, तो सड़क ए आजम का निर्माण शेर शाह ने करवाया था। शेर शाह का कार्यकाल है 1540 से 45। इनका बचपन का नाम फरीद खां है, जो सूर वंश से संबंधित थे। शेर शाह का मकबरा बिहार के सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर स्थित है। शेर शाह द्वारा कुछ प्रमुख कार्य भी किए गए हैं, जैसे कि रोहतासगढ़ का किला, किला एक कूना नामक मस्जिद का निर्माण भी शेर शाह द्वारा किया गया है। शेर शाह ने ही ग्रैंड ट्रक रोड की मरम्मत करवाई थी एवं डाक प्रथा का भी प्रचलन शेर शाह ने ही करवाया था। आगे देखेंगे 19 नंबर, किसने महिलाओं के लिए बामा बोधनी पत्रिका निकाली, तो केशव चंद्र सेन, इसका सही आंसर होगा केशव चंद्र सेन ने बामा बोधनी पत्रिका निकाली। इंडियन मिरर भी इन्हीं का पत्रिका है। राजा राममोहन राय की पत्रिका संवाद कौमुदी है, क्या है, संवाद कौमुदी राजा राममोहन राय की पत्रिका है। आगे देखेंगे 20 नंबर, बंगाल के नवाब अलीबर्दी का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो इसका सही आंसर होगा सिराजुद्दौला। अलीबर्दी का उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला थे। सिराजुद्दौला का कार्यकाल 1756 से 57 थी। 20 जून 1756 को काली कोठरी की घटना भी इन्हीं के समय में हुआ। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज विजयी रहे। आगे देखेंगे 21 नंबर, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा, भारत के किस स्थान से संबंधित है, तो यह दिल्ली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा था, कुणाल महेंद्र संघमित्रा, तो इन्होंने तक्षशिला में कुणाल को भेजा था। महेंद्र अशोक के पुत्र का नाम है एवं संघमित्रा अशोक की पुत्री का नाम है। इन दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका भेजा था। अशोक के बारे में और कुछ जानते हैं, तो मास्की गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक ने ही आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियां में 4 गुफाएं का निर्माण कराया था। आगे देखेंगे 23 नंबर, पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं, बाबर हुमायूं अकबर जहांगीर, तो इसका सही आंसर होगा अकबर। अकबर का ही अभिलेख बिहार में मिले हैं। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 था। पानीपत का दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू के बीच में हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच में हुआ था। कब हुआ था, 18 जून 1576 को, जिसमें अकबर विजय रहे थे। हल्दी घाटी के युद्ध में हुआ था, जिसमें सेनापति मानसिंह थे। आगे देखेंगे, बिहार में रॉलेक्ट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन का आरंभ हुआ, कब आरंभ हुआ आंदोलन रॉलेक्ट एक्ट के विरुद्ध, तो यह हुआ था फरवरी 1919 में। उस टाइम शासन था लॉर्ड चेम्सफोर्ड का। इनका कार्यकाल 1916 से 21 था। इन्हीं के समय में रॉलेक्ट एक्ट आया था। आगे देखेंगे 25 नंबर, किसके शासन में ब्लैक होल की घटना हुई, ब्लैक होल की घटना, तो
इसका सही आंसर होगा सुराजुद्दौला। हार्वेल के अनुसार सुराजुद्दौला ने 20 जून 1756 को रात में 146 अंग्रेज को एक छोटी सी कमरे में बंद कर दिया था एवं अगले दिन जब कमरे को खोला गया तो मात्र 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे। इसी घटना को ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। यह कब हुआ था? 1756 में और सिराजुद्दौला के शासन में। आगे देखेंगे 26 नंबर, बासिल III मानकों का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बासिल III का संबंध बैंकिंग से है। बासिल III बैंकिंग से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह 2008 के मंदी के बाद लाया गया था। तो बासिल III कब लाया गया था? 2008 के मंदी के बाद लाया गया था। 27 नंबर, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? तो गोल्डन हैंडशेक स्कीम स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति से संबंधित है, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति। आगे देखेंगे 28 नंबर, करेंसी एवं फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? योजना आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो करेंसी एंड फाइनेंस का वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन हमेशा RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन RBI एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई थी। RBI का हेडक्वार्टर मुंबई है एवं इसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में किया गया था। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 ईस्वी में की गई थी। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। वर्ल्ड बैंक का उद्देश्य ही है सदस्य राष्ट्रों को पुनः निर्माण और विकास के कार्यों के लिए आर्थिक सहायता देना वर्ल्ड बैंक का कार्य है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। IMF का मुद्रा होता है SDR, SDR मीन्स स्पेशल ड्राइंग राइट। SDR क्या होता है? तो SDR में कुछ देश के मुद्राओं को इस्तेमाल किया जाता है। इनमें शामिल है यूरो, पाउंड, एन, डॉलर। ये चारों मुद्राओं को मिलाकर शामिल करने के बाद SDR होता है और यही IMF का मुद्रा क्या होता है? SDR। आगे देखेंगे GNP और GDP में अंतर है। तो ये दोनों में क्या अंतर है? विदेशों से शुद्ध साधन आय का। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने के लिए कौन सा कर सहायक होता है? तो इसमें होता है प्रगतिशील कर, इसके लिए सहायक होता है। आगे देखेंगे 31, बॉक्साइट उत्पादन में पहला स्थान किसका है? बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनाइट निश्चित रूप से पाया जाता है? तो ग्रेनाइट निश्चित रूप से पाया जाता है सह्याद्री में। पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री पर्वत कहते हैं। शिवालिक पर्वत हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग है। सतपुरा सबसे पुरानी पर्वतमाला सतपुरा है। आगे देखेंगे 33 नंबर, कौन एक प्रशांत महासागर की धारा है? तो इसका सही आंसर होगा क्यूरोशिवो। क्यूरोशिवो प्रशांत महासागर की धारा है। यह गर्म जल धारा है तथा उत्तरी प्रशांत महासागर में की धारा है। यह मुख्य रूप से जापान साइड में होती है। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जल धारा है। बेनगुएला ठंडी जल धारा है। आगे देखेंगे 34 नंबर, काराकुम मरुस्थल किस देश में है? तो काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। मंगोलिया में कौन सी मरुस्थल है? मंगोलिया में गोबी मरुस्थल है। भारत का तो पता ही हम लोगों को, थार मरुस्थल भारत में है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है जो कि अफ्रीका में है। आगे देखेंगे 35 नंबर,
तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। सतलज नदी पर एक परियोजना है, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना सतलज नदी पर है पंजाब में, झेलम जम्मू कश्मीर। आगे देखेंगे 36 नंबर, बिहार में मॉनसून लौटना कब प्रारंभ होता है? तो बिहार में मॉनसून लौटना प्रारंभ होता है अक्टूबर के मध्य में। बिहार में मॉनसून 10 से 15 जून के आसपास में आती है, जबकि लौटती है अक्टूबर के मध्य में। आगे देखेंगे, उदयपुर अभयारण्य स्थित है? तो उदयपुर अभयारण्य बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थित है। यह बाघ एवं अन्य पशुओं के लिए विख्यात है। उदयपुर अभयारण्य बाघ एवं अन्य पशुओं के लिए विख्यात है। आगे देखेंगे 38 नंबर, श्रीशैलम परियोजना का संबंध किस नदी से है? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, महानदी। तो इसका सही आंसर होगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर एक और परियोजना है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, नागार्जुन सागर परियोजना भी कृष्णा नदी पर है। गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है, जो कि महाराष्ट्र में है। कावेरी नदी पर तो मेंटूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। महानदी पर हीराकुंड परियोजना महानदी पर है, जो उड़ीसा में स्थित है। आगे देखेंगे 39 नंबर, कालाहारी मरुस्थल के समीप कौन सा घास का मैदान है? वेल्ड पंपास डाउन्स सवाना। तो कालाहारी मरुस्थल के समीप वेल्ड है, यह दक्षिण अफ्रीका की घास का मैदान है वेल्ड। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया की घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। सवाना भी अफ्रीका की है, सवाना पूर्वी अफ्रीका की घास के मैदान है। पंपास अर्जेंटीना की घास के मैदान है। आगे देखेंगे 40 नंबर, जूट ऑब्लिक पटसन का सर्वाधिक उत्पादक कौन करता है? तो जूट पटसन का सर्वाधिक उत्पादन भारत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो मुक्केबाजी के खेल परिसर को क्या कहते हैं? रिंग। रेंज किसको कहते हैं? निशानेबाज और तीरंदाजी दोनों के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? रेंज। कोर्स गोल्फ के खेल परिसर को कहते हैं, तथा पिच क्रिकेट के खेल परिसर को कहा जाता है। 42 नंबर, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? तो नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में प्रारंभ किए गए। नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में दी गई थी। आगे देखेंगे 43 नंबर, मेन कैफ किसकी रचना है? मेन कैफ अडोल्फ हिटलर की रचना है। 44 नंबर, भारत का सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है? तो सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट वेटन कप है। और भी इससे संबंधित हॉकी से संबंधित कप है, जैसे कि आगा खा, रंगास्वामी, ये सब कप भी हॉकी से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित कुछ है, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। आगे देखेंगे 45 नंबर, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को की बात करते हैं तो यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। रोम इटली की राजधानी है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम है। जिनेवा स्विट्जरलैंड का शहर है। जिनेवा में WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय भी जिनेवा में है, एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय भी जिनेवा में है। लंदन में क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार का मुख्यालय लंदन में स्थित है, लंदन ब्रिटेन में है। आगे देखेंगे
46 नंबर। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है तो इसका सही आंसर होगा 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। 8 मार्च हम सब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को मनाया जाता है। एवं 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 15 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखेंगे, शालीमार बाग स्थित है तो शालीमार बाग श्रीनगर में स्थित है। शालीमार बाग किसने बनवाया था तो यह जहांगीर ने 1619 ईस्वी में बनवाया था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है जो हाजी बेगम ने 1572 ईस्वी में बनवाया था। आगरा में आगरा फोर्ट है जो अकबर ने बनवाया था। आगे देखेंगे 48 नंबर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ है तो काजीरंगा कब हुआ है, 1985 ईस्वी में। काजीरंगा असम में है और यह 1985 ईस्वी में विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ है। अब देखेंगे 1984 ईस्वी में कौन कौन सा शामिल हुआ है तो 1984 ईस्वी में महाबलीपुरम के स्मारक और सूर्य मंदिर 1984 ईस्वी में शामिल हुआ है। 1986 ईस्वी में खजुराहो की मंदिर जो एमपी में है, हम्पी अवशेष जो कर्नाटक में है 1986 ईस्वी में विरासत सूची में शामिल हुआ है। 1983 ईस्वी में क्या क्या हुआ है देखते हैं, आगरा का किला, ताजमहल, अजंता एवं एलोरा की गुफा, ये तीनों 1983 ईस्वी में विश्व विरासत सूची में शामिल हुई है। आगे देखेंगे, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है। दिल्ली में क्या है, कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली में स्थित है एवं भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान भी दिल्ली में ही स्थित है। आगे देखेंगे 50 नंबर, वीरभूमि समाधि स्थल संबंधित है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जगजीवन राव, यानी जैल सी, तो वीरभूमि राजीव गांधी से संबंधित है, इसका सही आंसर होगा राजीव गांधी। अब देखेंगे इंदिरा गांधी से क्या संबंधित है तो इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को कहते हैं शक्ति स्थल, जगजीवन राव के समाधि स्थल को कहते हैं समता स्थल एवं ज्ञानी जैलसी के समाधि स्थल को कहते हैं एकता स्थल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें एवं कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।